हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड। लिस्ट के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अ लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास। लिस्ट बनाते समय हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और लिस्ट आइटम को हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। लिस्ट आर म्यूटेबल, दैट इज वी कैन चेंज एन आइटम इन अ लिस्ट बाय एक्सेसिंग इट डायरेक्टली एज पार्ट ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट। लिस्ट म्यूटेबल होती है, मीन्स हम लिस्ट के आइटम को चेंज कर सकते हैं। बिल्ट इन लिस्ट फंक्शंस। लिस्ट कन्वर्ट्स अ टपल इनटू लिस्ट, मीन्स अगर हमारे पास कोई टपल दिया हो तो हम उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट फंक्शन का यूज करके। लेन गिव्स द टोटल लेंथ ऑफ द लिस्ट, मीन्स लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, लिस्ट की टोटल लेंथ का अगर हमें पता करना है तो हम यूज करते हैं लेन फंक्शन का। मैक्स रिटर्न्स द आइटम फ्रॉम द लिस्ट विथ मैक्सिमम वैल्यू, लिस्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू का आइटम है उसको रिटर्न करता है मैक्स फंक्शन। सिमिलरली मिन जो है वो रिटर्न करता है मिनिमम वैल्यू को। लेट सी दी डेमो। यहाँ पे हम लिस्ट फंक्शंस का यूज करके देखेंगे। जो भी लिस्ट फंक्शन हमने अब तक पढ़े हैं उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। सबसे पहले हम एक टपल लेते हैं। टपल लेने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो हमने एक टपल लिया हुआ है a इक्वल्स टू 23, 78, 90। अब इस टपल को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम b एक वेरिएबल ले रहे हैं जो कि इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं लिस्ट। इसके बाद हम प्रिंट करते हैं a को एंड b को। तो a को जब हम प्रिंट कराएंगे तो सिंपल हमको टपल ही मिलेगा जो हमारा नॉर्मल टपल है, और b को जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमको लिस्ट मिलेगी। तो इस तरीके से हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट लेंगे और लिस्ट के आइटम्स को चेंज करेंगे। लिस्ट हमने ली हुई है, लिस्ट के आइटम्स हैं यहाँ पे ए ई एंड आई। अब म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि हम लिस्ट आइटम को चेंज कर सकते हैं, उनको हम सिंपली असाइन करके चेंज करते हैं। यहाँ पे इंडेक्सिंग के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ए जीरो पे अभी हमारे पास ए है, ए को चेंज करके अगर हमें ए के प्लेस पे पी लिखना है तो हम लिखेंगे ए जीरो इक्वल्स टू पी। इसी तरीके से अगर हमें E को चेंज करना है तो हमें लिखना होगा A1 equals to Q, क्योंकि यहाँ पे हम E के प्लेस पे Q लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये दो आइटम्स यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम प्रिंट कराते हैं लिस्ट को तो हमें जो लिस्ट मिलेगी वो मिलेगी P, Q एंड I। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, मतलब यहाँ पे हम लिस्ट आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन एंड मिन फंक्शन। तो एक लिस्ट हम बनाएंगे और लिस्ट में हम इस फंक्शंस को अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे हमने लिस्ट में जो नंबर्स लिए हैं वो है 24, 67, 90 एंड 91। लिस्ट में हम किसी भी नंबर को रिपीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट आइटम्स अलाउ होते हैं। सबसे पहले हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे। लेन फंक्शन का आउटपुट हमें मिलेगा 4, क्योंकि हमारे पास लिस्ट में 4 आइटम्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैक्स। मैक्स जो होता है वो रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू को। इस लिस्ट में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 91, तो आउटपुट में हमें मिलेगा 91। सिमिलरली मिनिमम जो है, मिन फंक्शन रिटर्न करेगा मिनिमम वैल्यू को जो कि यहाँ पे है 24। तो इस तरीके से हमको आउटपुट मिल गया है। अब यहाँ पे अगर नंबर के प्लेस पे हमने कैरेक्टर्स लिए होते, अल्फाबेट्स लिए होते, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं ए वी जेड, तो उस केस में हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम इसकी ASCII वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलता। जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू में हमें मिलता जेड और मिनिमम वैल्यू में हमें मिलता है ए। तो इस तरीके से हम लिस्ट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, लिस्ट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट मेथड्स अपेंड एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अगर हमें लिस्ट के एंड में कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो हम यूज करते हैं अपेंड का।
extend, add all elements of a list to the another list, insert an item at the definite index, append कर use जब हम कर रहे थे तो हम items को elements को end में add कर रहे थे, लेकिन insert का use करके हम एक definite index में items add कर सकते हैं. Removes an item from the list, अगर items को list में से remove करना है तो हम use करते हैं remove का. Pop removes and returns an element at the given index. Clear removes all item from the list. Index return the index of the first matched item. Count returns the count of number of item passed as an argument. Sort items in a list in ascending order. And reverse the order of item in the list. लेट सी दी डेमो. यहाँ पे हम लिस्ट मेथड का यूज करके देखेंगे. जो भी लिस्ट मेथड हमने अभी डिस्कस की है हम उनका यूज करेंगे. उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है. st इज इक्वल टू 14, 11, 23, 14 एंड 34. लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम्स अलाउ हैं. जैसे यहाँ पे हमने 14 को दो बार लिखा है. सबसे पहले हम यूज करते हैं इंसर्ट का यूज करते हैं हम जब हमें लिस्ट में कोई न्यू आइटम इंसर्ट करना हो पर्टिकुलर इंडेक्स पे. जैसे यहाँ पे हम थर्ड इंडेक्स पे इंसर्ट कर रहे हैं 90 को, तो 90 जो है वो इंसर्ट हो जाएगा लिस्ट में. और थर्ड इंडेक्स पे अभी हमारे पास है 14. st.insert 3,90 लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 90. इसी तरीके से हम अपेंड का यूज कर सकते हैं. इंसर्ट में हम पर्टिकुलर इंडेक्स पे आइटम इंसर्ट कर रहे थे. अपेंड का यूज हम करते हैं जब हमें लिस्ट के एंड में कोई आइटम ऐड करना हो. जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है st.append 15, तो 15 जो है वो यहाँ पे लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगा. अपेंड का यूज हम करते हैं जब हमें कंपल्सरली आइटम को लिस्ट के एंड में ऐड करना हो. जिस तरीके से हमने लिस्ट में आइटम्स ऐड किए हैं उसी तरीके से हम लिस्ट से आइटम रिमूव भी कर सकते हैं. लिस्ट से कोई पर्टिकुलर आइटम रिमूव करने के लिए हम लिखते हैं st.remove. रिमूव कर रहे हैं हम 11 को. यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल नंबर ले रहे हैं 11. हमारे लिस्ट में 11 है तो हम लिस्ट में से अगर 11 रिमूव करना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा लिस्ट नेम डॉट रिमूव और जो एलिमेंट हमको रिमूव करना है. तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट का नेम जो है वो है st, तो हम लिखेंगे st.remove11. इसके बाद जब हम प्रिंट कराते हैं लिस्ट को तो उस लिस्ट में 11 नहीं रहेगा. इसी तरीके से हम इस लिस्ट को रिवर्स प्रिंट करा सकते हैं. लिस्ट को रिवर्स प्रिंट कराने के लिए हम यूज करेंगे st.reverse. तो आउटपुट में हमें लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में मिलेगी. जैसे अभी हमारे पास लिस्ट है 14, 11, 23, 14 एंड 34. रिवर्स का यूज करने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा 34, 14, 23, 11 एंड 14. इसी तरीके से हम लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं. लिस्ट को सॉर्ट करने का मतलब है कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. मतलब जो भी लिस्ट आइटम मिनिमम है वो पहले आएंगे एंड जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो बाद में आएंगी. तो यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी. नेक्स्ट मेथड जो हमने पढ़ी है वो है पॉप. पॉप का यूज हम करते हैं जब हमें लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है. मतलब जब हमें लिस्ट में से कंपल्सरली लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है तब हम यूज करते हैं पॉप का. तो उसके लिए हम लिखेंगे st.pop जो कि यूज होता है लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए. रन करेंगे हम प्रोग्राम को तो हमको आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से. सबसे पहले हमने इंसर्ट किया था 90 को, तो थर्ड इंडेक्स पे 90 इंसर्ट हुआ है. अपेंड किया है 15 को, तो 15 लास्ट में ऐड हुआ है. रिमूव करेंगे 11 को, तो 11 लिस्ट में नहीं है. फिर उसके बाद हमने रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट लिखी है,
एंड नेक्स्ट हमने सॉर्ट किया है, तो आइटम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुए हैं एंड बाद में हमने रिमूव किया है। तो रिमूव करने के बाद जो लास्ट एलिमेंट हमारा था वो लिस्ट से रिमूव हो गया। इसी तरीके से हम क्लियर का यूज कर सकते हैं। क्लियर का यूज हम करते हैं जब हमें सभी लिस्ट एलिमेंट को रिमूव करना हो। तो सभी लिस्ट एलिमेंट को एक साथ रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं क्लियर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे st.clear, तो आउटपुट में हमें यहाँ पे मिलेगी ब्लैंक लिस्ट। तो इस तरीके से हम सभी लिस्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टपल्स।